अस्मा का कातिल पकड़ा गया, मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। पकड़े जाने के डर से बच्ची का कत्ल किया। मुलजिम रेस्टोरेंट में काम करता है। आईजी केपीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तलाल के बाद दानियाल तौहीन अदालत पर वफाकी वजीर सुप्रीम कोर्ट में पेश। अदालत ने वकील करने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। आइंदा समाअत 19 फरवरी को होगी। आपने वकील नहीं किया, अदालत का इस्तफसार। जरूरत है तो कर लेता हूँ, दानियाल का जवाब। जस्टिस अजमत सईद बोले, वकील की जरूरत हमेशा होती है। आप वकील कर ले, सब सामने आ जाएगा, सब साफ और शफाफ होगा। हाथ साफ दिल साफ, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो मुल्क का क्या बनेगा। दानियाल अजीज की पेशी से पहले मीडिया से गुफ्तगु। निशार खान कातिल केस का फैसला आज। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सुनाया जाएगा। मिशाल को 13 अप्रैल 2017 को मुश्तल हुजूम ने कत्ल किया था। आर्टिकल 62(f)(1) के तहत नाहली ताहयात या 5 साल। सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्तों पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ नायब रेफरेंसेस की आज फिर समाअत। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेश होंगे। अदालत ने इस्तगासा के 5 गवाहान को तलब कर रखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट जज और जस्टिस मोहम्मद यावर अली ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हल्फ उठा लिए। मंसूर अली शाह से चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हल्फ लिया। जस्टिस यावर अली का हाई कोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। शुमाली वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मनों का वार। हदी और नौरक में दहशतगर्दों के रॉकेट हमले, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 3 जख्मी। और कराची वालों को दूध महंगा मिलने लगा। डेयरी फार्मर्स ने खुद साख्ता कीमतें बढ़ा दी। बाड़े पर 90 दुकानों से 105 रुपये में फी लीटर दस्तियाब। गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, नर कम करने नहीं देंगे। डेयरी फार्मर मालिकान डट गए।